हम फिर से सजा लेंगे अपना घर वहाँ टेक्सास में. That's what I was about to say. And here's the cabbage. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. बहुत ही अच्छी सुबह और मैं अपने फेवरेट स्पॉट से ही शुरुआत कर रही हूँ इस व्लॉग की. बहुत टाइम के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ. आई थिंक अराउंड 8 या 9 दिन हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि क्या हुआ. उसके बाद मैं कुछ पोस्ट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं. इफ वी आर ऑल ओके और नॉट, वी आर ऑल ओके एंड वी आर फाइनली मूविंग. बहुत प्रॉब्लम बीच में, मतलब बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी वहां पहुंचने के बाद में डिटेल में, क्योंकि काफ़ी लंबी बात होगी. और बस अभी हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारा घर अभी फिलहाल फैला हुआ है. जगह जगह आपको सामान, बॉक्सेस, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. यहाँ है मेरे प्लांट्स, सुबह सुबह ग्लूम कर रहे हैं. इनको भी हमें अभी पैक करना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने इनको यहीं छोड़ दिया है थोड़ी सी सनलाइट रोशनी के लिए. और बस बाकी सब कुछ पैकिंग शुरू हो गई है. मैंने क्या किया है, मैंने बहुत कुछ सामान एक साथ फैला दिया है, तो बहुत सारा किचन का और बहुत सारा बाथरूम का, ये सब दोनों मैंने एक साथ फैला दिए. पीछे शेरिफ की गाड़ी आई है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, किसी के घर पर शेरिफ आया है तो वहाँ थे, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आ गई. अगर आप भी मूव हो रहे हैं तो कभी भी एक साथ दो जगह का सामान मत फैलाइए. जैसे मैंने किया, मैंने किचन और ये वाला बाथरूम ये सब एक साथ ही सब कुछ डम कर दिया है, विच इज़ नॉट गुड. अब मुझे लग रहा है एक ही करके करना चाहिए था, बट क्योंकि हड़बड़ाहट में समझ में नहीं आता ना कि अभी जल्दी 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 करना है, टुमारो वी हैव टू लीव, तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ कर लिया. फिलहाल बनाते हैं चाय. चाय की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और थकान भी बहुत हो रही है, तो चाय बनाते हैं और उसके बाद बात करते हैं. आने का रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है. बस मुझे भगवान जी को अच्छे से उनको बिठाना है एक बॉक्स में अच्छे से, और बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है. यहाँ कुछ कुछ मेरे प्लांट्स और ये 2-4 आइटम्स और बचे हैं, बाकी सब कुछ हो गया है और घर हो गया है एकदम मैसी. फिक्स हो गया हमारा ट्रेलर और ये कुछ ऐसा दिखता है और वी आर ऑल सेट. बस अभी ट्रेलर फिक्स हो गया है, हमने इसको अटैच करने का, डिटैच करने का प्रोसेस समझ लिया. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, पर हाँ थोड़ा सा प्रोसेस समझ ले वो ज़्यादा बेटर रहते.
तो वो सब हो गया है एंड वी आर ऑल सेट टू गो. अभी हम घर जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे फुल ऑन इस ट्रेलर को भरना अपने सारे स्टॉक से सामान से. और हम कल सुबह निकल जाएंगे टू टेक्सास, नॉट बाय फ्लाइट, बाय ड्राइविंग. एक्चुअली दो लोगों को बुलाया था जो लोडर्स बोलते हैं या हेल्प उनको बोल सकते हैं. तो जो उनको हमने ऑलरेडी दो लोगों को बुक किया था कि दे विल कम एंड हेल्प, बट वो हमने ऐसा सोचा था कि शायद वो लोग पैकिंग में भी हेल्प करेंगे, बट वो सिर्फ और सिर्फ लोड करेंगे सामान. तो वो कल आए और उस टाइम पे तो हमारा कुछ भी पैकिंग हुआ नहीं था. तो फिर हमने उनको बोला ठीक है, विल कॉल यू टुमारो वंस वी आर डन विद द पैकिंग. आज हमने जब उन्हें कॉल किया तो वो अवेलेबल ही नहीं थे, वो शायद कहीं और, उनका कोई और प्रोजेक्ट शुरू हो गया होगा. तो इस वजह से सारा कुछ हमें ही शुरू करना पड़ा. सडनली हमने ऐसा सोचा था कि हम और भी कुछ रिसर्च करेंगे ढूंढेंगे, पर कोई नहीं मिला. तो हमने सोचा ठीक है चलो हम खुद ही से शुरुआत कर देते हैं, एटलीस्ट वेट करने से अच्छा है लेट्स स्टार्टेड आवरसेल्फ. तो हमने शुरू कर दिया. जब आप घर सजाते हो ना, तब उस टाइम पे रियलाइज ही नहीं होता है कि इतना कुछ सामान इकट्ठा होता जा रहा है. जब वो मूव होने की बारी आती ना, तब रियलाइज होता है कि ये भी एक्स्ट्रा सामान है, ये भी एक्स्ट्रा सामान है. और वही हो रहा मेरे साथ स्पेशली, क्योंकि जब घर सजाते हैं ना, जो छोटे छोटे बहुत सारा आइटम हम खरीद लेते हैं, सजा देते हैं घर को, फिर जब निकलने की बारी आती ना, तब दिल दुखता है कि ये छोड़ दे कि नहीं छोड़े, ये ले ले या नहीं ले ले, पर जगह उतनी ही है. तो उस हिसाब से बहुत सारा सामान तो मुझे लग रहा है निकालना ही पड़ेगा. तो ठीक है, यहाँ पर एक एक प्लेस है वेर यू कैन कीप ऑल द एक्स्ट्रा स्टफ़. तो हम लोगों ने वही किया है, हमने सब कुछ पैक कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक्स्ट्रा शूज़ हैं, वो सब कुछ हमने उसके बॉक्सेस बना दिए हैं. वो हम शाम को जाकर वहाँ पर रख देंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो ले सकते हैं. अगर कोई नहीं पिक करता है तो वहाँ पर वो जो डम्पस्टर वाली गाड़ी आती है वो आकर पिक करके दे विल डंप इट समवेयर, जहाँ पर वो रिसाइकल में चला जाएगा. तो दिस इज आवर प्लान, लेट्स सी हाउ वी कैन गेट इट एग्जीक्यूटेड. I love you, Ma and Papa. I was written from Aleukatia and moving. So I want to, we are moving you all drop. So I kind of feel this smallness. So that I want to how much we can learn. अच्छी बात यह है कि हमने ये वाला बाथरूम और ये सब कुछ पूरा एक कॉर्नर से शुरुआत करके सब क्लीन कर दिया है. दिस इज़ ऑल क्लीन. ये तो खैर अभी पैक होंगे फॉर गोइंग. और यहाँ बाकी सब कुछ पैक हो गया है, यहाँ हूँ मैं, थकी हारी मैं. ये सब कुछ है ना, बड़ा मेहनत से सजाया था, अब सब कुछ निकाल रहे वापस से वहाँ, मेहनत से फिर से सजा लेंगे, कोई बात नहीं. बट इट टेक्स अ लॉट टू डेकोरेट द होम, और ऐसे फटाफट से निकालने में तो जल्दी जल्दी निकल आता है, पर सजाने में बहुत मेहनत लगती है. बट हम फिर से सजा लेंगे अपना घर वहाँ. Yep, in Texas में. Yep, that's what I was about to say. आज मैंने दिन भर में बहुत बार सोचा कि मैं और भी कुछ
बातें आपके साथ शेयर करूँ, पैकिंग का थोड़ा स्टफ शेयर करूँ, या फिर जो भी हम कर रहे हैं दिन भर में वो सब कुछ शेयर करूँ, पर ना ही तो मेरी हालत थी शेयर करने की, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहे पूरा दिन पैकिंग में। मतलब ऐसा लग रहा था कब ख़त्म हो, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हमें सुबह निकलना है अर्ली मॉर्निंग, अगेन वी आर टारगेटिंग फॉर 6:37, पता नहीं कितने बजे तक निकल पाएंगे। आज भी हमने कई बार प्लान किया कि हम जल्दी वाइंड अप करके, हो सकता है शाम तक अगर पॉसिबल हो जाए तो निकल जाए। हमने बहुत टाइम तक 3 बजे का टारगेट रखा, फिर एक एक घंटे ऐसे आगे आगे खिसकाते गए। अगर आप खुद से मूव होते हो ना तो दिस इज़ द बेनिफिट, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल होता है। अगर आपको मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू होना तो वो तो डेट टाइम सब कुछ फिक्स होता है, एंड येस दे कम एंड दे डू ऑल द स्टफ़। लेकिन अब हो गया है कंप्लीट, ऑल एवरीथिंग इज़ डन, बस हमें सुबह रेडी होके निकलना है और लंबी जर्नी पे निकलना है, लॉन्ग ड्राइव पे। कुछ सामान जो रहता है ना लास्ट लास्ट मोमेंट का, वो सब कुछ बस वाइंड अप करना है सुबह, तो इट विल बी हार्डली हाफ एन आवर का टाइम। और आवाज़ बहुत एको हो रही थी, मैंने दोपहर में भी आपको बताया था, रात में ज़्यादा लग रही है, दोपहर में उतना नहीं पता चल रहा था, बिकॉज द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी। एंड अनेज miles, which means 2 days. So we have to go 1 day and then stay in the hotel. Yeah. So we will take a break. और हम लोग कल हो सके कितना भी जितना भी पॉसिबल होगा, फिर टारगेटिंग हुआ 500 miles, पर देखते हैं, क्योंकि ट्रेलर के साथ में थोड़ा कॉन्शियस होकर चलाना होता है। अगर आप सिर्फ कार से जा रहे हैं ना तो इट इज़ वेरी ईजी एक्चुअली इतना कवर अप करना, बट ट्रेलर के साथ में आपको टर्न्स भी, लंबे टर्न्स लेने होते हैं। तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू शेयर आर एक्सपीरियंस ऑफ दिस मूविंग ऑल्सो, जैसे मैंने अपना रोड ट्रिप का शेयर किया था व्हेन वी वेंट टू नॉर्थ कैरोलिना, तो हम ये भी शेयर करेंगे। और मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो हम यहीं उलझे हुए हैं अब मैं वहाँ पहुँच कर, टैक्सेस पहुँच कर फिर से रेगुलर ब्लॉगिंग देसी वाले फ्लो में आ जाऊंगी। सो डोंट वरी, आज के लिए हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, इस एकोइंग साउंड में इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और बहुत सारे थके हुए फेस के साथ हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, जब थोड़े से फ्रेश मूड में, अच्छी सी सराउंडिंग के साथ में, बाहर के शायद कुछ जो भी होंगे शॉर्ट्स वो मैं आपको दिखाऊंगी सुंदर सुबह सुबह के, और इस घर का भी मैं आपको कुछ कुछ पार्ट दिखाऊंगी, क्योंकि आपका भी इस घर से बहुत कनेक्शन है, काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे हैं, तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली शो यू सम मोर क्लिप्स ऑफ मॉर्निंग, और फिर हम निकलेंगे अपनी लंबी यात्रा पर, लॉन्ग जर्नी ऑफ 1000 miles टू टेक्सास। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज, एंड बाय बाय। वी आर वेरी टायर्ड, अभी हम फटाफट जाके, जिस दिन थके होते हैं उस दिन नींद नहीं आती है, मेरे साथ तो डेफिनेटली होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल लेटते ही सो जाऊंगी, बट इट डजेंट हैपन, वो दिमाग में चलता रहता है, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, तो पता नहीं कब तक नींद आएगी। फिर भी गुड नाइट, बाय बाय। हमारी गड्डी कहाँ।